स्वागत है आपका हमारी ख़ास पेशकश में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम दुनिया भर में गूंजता है और जिनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है हमारे साथ हैं श्री उदय कोटक सर स्वागत है आपका जी बिजनेस पर एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द जी बिजनेस कंट्रीज़ नंबर वन बिजनेस चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई एंटायर टीम हाल ही में जो आपका अवार्ड मिला है ग्लोबली और इतनी रिनाउंडरी से uh, यह अवार्ड मिला इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस ऑल्सो सो कंग्रेचुलेशन फ्रॉम माई टीम थैंक यू वेरी मच जब मुझे ये अवार्ड मिला मैंने कहा कि दिस अवार्ड इज़ ऑन बिहाफ ऑफ 1.2 बिलियन इंडियंस एंड आई एक्सेप्ट इन ऑल ह्यूमिलिटी मेरे लिए ये सबसे जस्ती महत्व ये अवार्ड का यह है कि इंडियन को ग्यारह साल के बाद मिला लास्ट टाइम नारायण मूर्ति को मिला था 2003 में इंटरेस्टिंगली वो एनडीए गवर्नमेंट की लास्ट ईयर थी और ये एनडीए गवर्नमेंट की फर्स्ट ईयर है राइट सिंस यू रेज द रेफरेंस योरसेल्फ एनडीए गवर्नमेंट काफी ऑप्टिमिज्म था यू नो एंड इनफैक्ट अभी भी बना हुआ है अच्छे दिन आने वाले हैं जो कि कैंपेन थी नाउ अब ये मौका है एनडीए के पास या फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कैन वी कंफर्टेबली से अच्छे दिन आने वाले हैं आ गए हैं व्हाट इज योर व्यू सबसे सबसे पहले हिंदी के दिन आ गए राइट एंड थोड़ी प्राइड है ना कि अपने प्रधानमंत्री अपनी भाषा में बोलते हैं तो एज एन इंडियन आई फील वेरी प्राउड मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरी हिंदी बेटर करने की hmm. और इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई फील कि अच्छे दिन आ गए हैं बाजार में तो आ गए हैं आप देखो शेयर बाजार पच्चीस हजार के ऊपर है और जिस उत्साह से मोदी जी जीते हैं एनडीए आई है और uh, नई सरकार ने इनिशियल डेज में अभी तक कोई मिस लोगों की उम्मीदें बहुत है hmm. और दीज हाई एक्सपेक्टेशंस आर द चैलेंज द गवर्नमेंट हैज़ टू डील विथ माय एडवाइस टू ऑल द पीपल एंड इन्वेस्टर्स इज कि पेशेंस रखिए सरकार को टाइम दीजिए hmm. और सरकार को थोड़ा सा टाइम हम मानते हैं उससे जास्ती भी लगे तो लेट अस बी पेशेंट राइट right. uh, हमारा जो इस बार थीम है बजट का बिकॉज ये पहला बजट होगा फुल सरकार का एंड uh, काफी उम्मीद इससे भी बनी हुई है बट लाइक यू सेड कि थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना जरूरी है द थीम इज अब की बार सपने साकार हुँ. और हर कोई जितने भी आम लोग जो कि हमारे व्यूवर्स हैं उनसे हम बात करते हैं उनका भी यही कहना है कि एटलीस्ट इस बार उन्हें उम्मीद है कि कुछ ऐसे कदम बजट में उठाए जाएंगे जिससे एटलीस्ट एक टोन सेट हो फॉर नेक्स्ट फाइव इयर्स और फॉर नेक्स्ट सिक्सटी मंथ्स एंड जो ट्रेजेक्टरी हमें अचीव करनी चाहिए एज एन इकोनॉमी एटलीस्ट उसका इंडिकेशन इस बार मिले बजट में क्या यह सही है आपकी बात सपने साकार uh, मेरे हिसाब से ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन ये बजट में फोकस होगा कंट्रोल ऑफ फिजिकल डेफिसिट यानी टाइटनिंग द बेल्ट्स। पीपल हैव टू बी रेडी की लॉन्ग टर्म गुड के लिए शॉर्ट टर्म थोड़े टफ मेजर्स आए तो हम तैयार रहे लेकिन साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये बजट में होगा एनकरेजमेंट टू फाइनेंशियल सेविंग्स राइट अगर आप देखिए टू थाउजेंड एट टिल टू थाउजेंड थर्टीन इंडियन सेवर्स का बहुत सा पैसा रियल एस्टेट और गोल्ड में गया गोल्ड में गया ट वॉज स्मार्ट थिंग टू डू उस समय बाकी ठीक है, है लेकिन अभी मेरे हिसाब से जो नीतियां और जब पॉलिसीज गवर्नमेंट लाए इट शुड बी एनकरेजिंग सेवर्स इन टू फाइनेंशियल सेविंग्स फाइनेंशियल सेविंग्स यानी बैंक म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज शेयर सो ये चार जो एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट है सेवर्स अब

एक तो बिट अपील है कि ये सरकार की फोकस होनी चाहिए hmm. नरेगा से करेगा एंड मूव टूवर्ड्स सपोर्टिंग एस्पिरेशन नॉट एंटाइटलमेंट राइट तो सब्सिडीज कम करनी चाहिए बट hmm. सब्सिडीज जो अनप्रोडक्टिव है right. जिसके सामने कुछ आउटपुट उत्पादन नहीं होता है hmm. so, जो खाली सब्सिडीज सपोर्टिंग नॉन प्रोडक्टिव ग्रोथ उसे कम करनी चाहिए hmm. और साथ में अपर्चुनिटी के लिए सपोर्ट करना चाहिए सेकंड इज डीजल प्राइस अभी भी बहुत बड़ा गैप है बिटवीन मार्केट प्राइस वर्सेस जो अभी करंट प्राइस है hmm. तो दो ऑप्शंस है अभी भी चल रहा है पचास पैसे हर महीने hmm. या तो एक साथ तीन चार रुपये वंस एंड फॉर ऑल टेक द डिसीशन Hmm. Get it behind us. So hmm. I would say the government needs to take some of those measures and tough measures, hmm. and control fiscal deficit. Hmm. That is key to control inflation. Because japp fiscal deficit control naho ho, tab tak inflation kam nahi And jab tak inflation kam nahi RBI interest rates ऑल्सो mm -hmm. uh, एक जो चैलेंज है नए फाइनेंस मिनिस्टर के सामने कि जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था पिछली सरकार थी उन्होंने काफ़ी कुछ जो सब्सिडी पेमेंट्स हैं वो पेंडिंग रखे हैं विच दिस गवर्नमेंट हैज़ टू डील विथ एट द सेम टाइम जो रेवेन्यू था वो काफ़ी कुछ कैप्चर हो गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में सो so, फ्लेक्सीबिलिटी कितनी होगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास यू नो टू जगल विथ ऑल दीज चैलेंज इन वन गो पहले ही बजट में एंड डिलीवर ऑन दी एक्स के पास बहुत सी

लिस्टिंग ऑफ नॉट इन द फर्स्ट ईयर बट ओवर नेक्स्ट क्यों नहीं अगर सौ परसेंट गवर्नमेंट की ओनरशिप है सामने स्टेट बैंक देखिए अट्ठावन गवर्नमेंट ओनरशिप है तो अगर गवर्नमेंट का सौ परसेंट की जगह नब्बे ओनरशिप हुआ क्या फर्क पड़ रहा right. है हाँ. लिस्ट हुई तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी होगी करेक्ट ऑल्सो जो दूसरा हिस्सा है मेरे सवाल का कि एनिमल स्पिरिट हाँ जिसे रिवाइव करने की बात है Uh, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट का किक स्टार्ट होना जरूरी है जो कि काफी हद तक हो रहा था बट नॉन प्रोडक्टिव हो रहा था इसे कैसे रिवाइव किया जाए मार्केट्स में हमने देखा है है रिवाइवल रिवाइवल हुआ बट ऑन बेसिस अगले विद so, मार्केट अगर कंपनीज जिसको इक्विटी की जरूरत है दे आर एबल टू रेज इक्विटी फ्रॉम द मार्केट प्लेस देन देयर प्रॉब्लम फॉर फाइनेंसिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है सो uh -huh. so, उससे फायदा हो सकता है सो so, ये रिकवरी

और जो फॉरेन कमेंट्री हमने सुनी है देश के बारे में या फिर नई सरकार के बारे में आपने खुद कई इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात की है आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट टू पावर परसेप्शन में चेंज हुआ है जो एक साल पहले था इंडियन इकोनॉमी का या फिर इंडियन गवर्नमेंट का उसमें अब कैन यू सी दैट सर्टनली जब मैं मॉन्टेको uh, mm -hmm. था ये मीटिंग के लिए प्रेजेंट राइट सो जो बात की इंडिया इज नाउ बैक इन वेरी पॉजिटिव लैंग्वेज जो लास्ट ईयर थोड़ा नेगेटिव था सो इंडिया इज बैक अपन द चार्ट और फॉरिन इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर सिग्नल इंडिया पॉलिसी आर कंसिस्टेंट राइट इंपॉर्टेंट पॉलिसी इज द टैक्स पॉलिसी अगर हम चेंज करें पहली रिस्ट्रिक्ट जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी थी वोडाफोन केस में उसमें कुछ जल्दी सोल्यूशन आ जाए hmm. तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स

बीच में फंस गए दे आर इनकम्प्लीट एंड बैंक मनी तो उसका सोल्यूशन चाहिए सो प्रोजेक्ट विच आर वायबल दे मस्ट बी कंप्लीटेड फॉर दैट पीएसयू बैंक तो शॉर्ट रन में पीएसयू बैंक नॉन कोर एसेट्स डिस्पोजल करके या जो ब्रिंग द ओनरशिप लेवल डाउन टू फिफ्टी वन अगर आज कोई पीएसयू बैंक में गवर्नमेंट का ओनरशिप फिफ्टी एट परसेंट है वो फिफ्टी वन परसेंट तक लाओ सो so, तो उतना सेल डाउन करने की परमिशन दोन को एक डेढ़ साल तो निकल जा सकता है लेकिन पांच साल की जो व्यू लेनी है तो नई कैपिटल डालनी पड़ेगी और पूरी गवर्नंस मैकेजम है रनिंग

के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे साथ हैं शिवदय कोटक सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो इंटरेस्ट रेट रेजिम है बोर्ड शायद अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा एंड इवन इफ यू गो बाई दघुराजन कितना दूर है वो सीनारियो वेर वी कैन एक्चुअली सी जेन्युन सस्टेनेबल रेट कट पहले आप जब इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं सेवर या बोरोवर सो hmm. so, अगर कट हुआ सेवर इज नॉट हैप्पी कोर्स नॉट क्योंकि सेवर को तो कम रिटर्न मिलेगा सो व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल इज इफ वी ड्रॉप इंटरेस्ट रेट्स वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन इन्फ्लेशन तो सेवर पैसा फाइनेंशियल सेविंग्स में नहीं डालेगा ही विल मूव इट टू गोल्ड एंड रियल एस्टेट विच इज बैड फॉर इंडिया करेक्ट फॉर योर अबिलिटी टू ड्रॉप इंटरेस्ट रेट इज लिंक्ड नंबर वन टू इंफ्लेशन राइट एंड नंबर टू टू द फैक्ट दनी वी वॉन्ट इन फाइनेंशियल सेविंग्स इसलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ब्याज दोनों साइड से देखिए करेक्ट सेवर साइड से एंड बोरो साइड से इंडिया में क्या होता है कि बोरोअर की आवाज इंक्लूडिंग इन मीडिया चैनल्स लाउडर इज लाउडर सेवर बेचारा चुपचाप बैठा है सो so उसकी सुनो और इसलिए ब्याज अब जब तक इन्फ्लेशन नीचे ना आए mm -hmm. नीचे जाना एक्सपेक्ट नहीं करो सो डू सी देट है माइ न्यू इज अर्लिएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट कमिंग डाउन इज अर्ली टू थाउजेंड फिफ्टीन अर्ली टू थाउजेंड फिफ्टीन नॉट बिफोर दैट और साथ ही महंगाई पे क्या है आपका व्यू इन्फ्लेशन बिकॉज इट इज नॉट समथिंग जो ओवरनाइट यू नो एक्शन चाहिए गवर्नमेंट से <coughs> लेकिन दो डेंजर अवेयर मॉनसून सेकेंड इराक एंड ऑयल प्राइस अगर ऑयल ऊपर गया देन इंडिया इज वेरी डिपेंडेंट ऑन ऑयल सो ये दोनों डेंजर पॉइंट्स है सब्जेक्ट टू दीज टू पॉइंट्स आई थिंक

Uh, वो कुछ हद तक एड्रेस हो सेंटिमेंट भी संभले एंड एट द सेम टाइम ये मैसेज ग्लोबल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को भी कन्वे हो दैट वी आर सीरियस अबाउट आवर इकोनॉमी वो क्या होगा फिजिकल डेफिसिट अंडर रीजनेबल कंट्रोल एंड पाथ टू फिजिकल कंसोलिडेशन पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू स्टॉप ऑल वेस्टेजेस एंड पॉइंट नंबर 3 क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर savers make money hmm. if savers make money in financial savings that will increase india's savings rate hmm. and that is one of the most important points which will get back investment because hmm. agar financial savings come back then we have enough money to support india's investment aspiration so hmm. from a finance minister point of view it is extremely important to

एन पी एस पे आपका व्यू क्या है आर वी लुकिंग एट पीकिंग आउट ऑफ एन पी एस इन नेक्स्ट टू क्वार्टर ऑलरेडी हो चुका है सिस्टम नए प्रॉब्लमिंग मच स्लोअर ओके सो न्यू प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं लेकिन स्टॉक ऑफ प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व एंड एज फार एज बैंकिंग बिजनेस इज कंसर्न अब जिस तरह का सेंटिमेंट है चेंज ग्राउंड रियालिटी कोटक महिंद्रा बैंक वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया फ्यूचर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस business model has bank has securities has asset management has life insurance we have all parts of financial savings umbrella we think the opportunity of overall financial services in each of these segments is very good over the next five years because we believe financial savings will get big boost correct whether it comes into bank deposits mutual funds life insurance kahibi फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आए तो वी एट कोटक फील वी कैन डू गुड जॉब इंटरमीडिएटिंग अबाउट इंडिया हमारी एनुअल रिपोर्ट में यह लाइन है वी लुक फॉरवर्ड टू बिगर बोल्डर बेटर इंडिया बिग बोल्डर बेटर कोटकोटली like you mentioned हिंदी uh, आप भी कोशिश कर रहे हैं हिंदी इंप्रूव करने की तो माय सजेशन इज इफ यू स्पीक मोर टू अस आपकी हिंदी और अच्छी हो जाएगी सवाल ही नहीं है अभी तो हिंदी और गुजराती के दिन आए हैं राइट राइट सर एब्सोल्युटली इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑन द शो थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस थैंक यू वेरी मच थैंक यू